दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में लगातार गुंडागर्दी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा एक ताजा मामला वीडियो जो है फरीदाबाद से वायरल हो रही है। इसमें एक ट्रैक्टर चालक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भी सड़क पर खड़ा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, जमकर गुंडागर्दी करी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से भी इसे ट्रैक्टर चालक की गुंडागर्दी को देखकर तमाशबीन बनी रही। दरअसल इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि हरे कलर की टी शर्ट पहने यह शख्स जो कि ट्रैक्टर चालक है, जो पुलिस के सामने भी हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के पास से रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी सामने से आई इको वैन ने इसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने से फिलहाल बचा है। इस मामले को यहीं पर बढ़ा ट्रैक्टर चालक ने इको वैन को रोक लिया और अपने अन्य ट्रैक्टर चालक साथियों को बुलाकर इको वैन में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने की धमकी देने लगा। जैसा कि आप सुन भी सकते हैं, इस प्रकार से पुलिस के सामने है ट्रैक्टर चालक इको वैन को ट्रैक्टर से कुचलने की धमकी दे रहा है। इस बीच इको वैन के चालक ट्रैक्टर चालक के हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा, लेकिन पुलिस और आम लोगों के समझाने के बावजूद भी ट्रैक्टर चालक टस से मस नहीं हो रहा। बताते चलें कि सफेद कलर की इको वैन में चालक के साथ उसके बच्चे भी बैठे थे। बावजूद इसके इस ट्रैक्टर चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जैसे तैसे लोगों ने इको वैन को वहां से निकलने में मदद करी। इसके चलते इको वैन चालक और अपने परिवार की जान बचाकर वहां से निकल गया। अन्यथा कुछ देर और हो जाती तो ट्रैक्टर चालक और इको वैन में टक्कर मार देता और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस जो है ट्रैक्टर चालक पर कोई असर नहीं हुआ पुलिस के आने का। पुलिस भी इस बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर ट्रैक्टर चालक को समझाने में नाकाम रही और तमाशबीन बनी रही।